नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह स्वर्णिम अवसर आया है। देश और अयोध्या के सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो काफी समय से अखंड रामायण का पाठ एवं रामधुन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर बने हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज उन हजारों लोगों का संघर्ष स्वरूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि 1989 में जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन बहुत तीव्र हुआ था, सब लोग श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जागरण करते थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 1989 में जब श्री राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था, तब लोगों से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 125 रुपए एकत्रित किए जाते थे कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक पत्थर आपके नाम का भी लग जाएगा। उत्तरकाशी के दुरुस्त गांव लिवाड़ी खितारी 18 किलोमीटर पैदल चलकर लोग श्री राम मंदिर निर्माण के लिए वहां से शिला लाए। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से ऐसे लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रचारक मोरू पंत जी पिंगले, अशोकजी सिंघल, महंत अवैधनाथ जी एवं कोठारी बंधुओं ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने अपने स्मरण को साझा करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जब 1989 में आंदोलन चल रहा था, तब वे मेरठ में थे। भेष बदलकर हमने इस आंदोलन में भाग लिया। हमारे साथ हजारों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल्द ही अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनेगा, उसका स्वरूप भी देखकर आएंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।